दिखाओ कहाँ गिराया, कहाँ गिरा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एमपी ब्लॉगर धनवी, और मैं हूँ स्वाति। तो कैसे हैं आप लोग सब, उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी आ गई हूँ मैं किचन में और अभी इवनिंग का टाइम है। तो लंच के बाद मैंने बर्तन खाली नहीं करके रखे थे, जैसे कि सब्जी नहीं निकाली थी, चावल भी नहीं निकाला था, क्योंकि लंच के बाद ऐसा होता है ना कि मैं ईशु को सुलाने चले जाती हूँ, उसे भी खाना खिला देती हूँ, तो फिर उसको मैं सोचती कि सुला देती हूँ और फिर जो भी बाकी के काम रहते हैं वो करना रहता है। तो फिर कभी कभी ऐसा हो जाता है ईशु के साथ मिस हो जाती हूँ, या फिर जो भी दूसरा वीडियो शूट करना हो, कुछ करना हो, तो मैं उसमें लग जाती हूँ। तो अभी मुझे बर्तन वॉश करना था। आप देख सकते हैं कि सिंक में बर्तन पड़े हुए हैं, तो बस यहाँ पर मैं बर्तन वगैरह निकाल लूँगी। पर मैं चावल को साफ कर रही हूँ क्योंकि मुझे बनाना है डोसा। तो फिर मैंने उड़द की दाल होती है और चावल को सोक करने के लिए रख दिया है, और फिर मैं इसे पीस लूँगी जैसे कि 6-7 घंटे बाद, और 1-2 दिन के लिए जैसा भी रहने दूँगी, और फिर उसके बाद मैं इसे बनाऊँगी डोसा। तो यहाँ पर मैं बर्तन साफ कर रही हूँ। तो मेरी एक सब्सक्राइबर है, मेरी फ्रेंड है, तो उसने मुझसे पूछा था कि आप बर्तन वॉश के लिए क्या यूज़ करते हो। तो पहले मैं साबुन यूज़ करती थी, फिर लिक्विड यूज़ करने लगी, और फिर से मैं साबुन विम साबुन वही यूज़ करती हूँ, क्योंकि जब मैं लिक्विड यूज़ करती थी ना तो मुझे ऐसा लगता था कि बर्तन ना उससे अच्छे से क्लीन नहीं होते हैं, क्योंकि बर्तन साफ करने के बाद भी और जो ऑयल है ना वो लगा ही रहता था, ऐसा होता था। तो क्योंकि जो लिक्विड है ना, हम सोचते हैं कि कम इस जैसे कि थोड़ा सा लेके तो ज़्यादा पानी डाल देंगे और बर्तन अच्छे साफ हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। आपको लिक्विड है ना ज़्यादा ही लेना पड़ेगा अगर बर्तन अच्छे साफ करना है। तो फिर इसी कारण मुझे एक झंझट भी लगती थी, क्योंकि जैसे कि 2-3 बर्तन रहते थे और हम सोचते कि यार थोड़े से बर्तन है तो जल्दी साफ कर लेते हैं, नहीं तो बहुत सारे इकट्ठे हो जाएंगे। तो फिर 2-3 बर्तन के लिए लिक्विड निकालो और फिर पानी में डालो और फिर उससे बर्तन साफ करो, तो बहुत झंझट लगती थी। तो इसलिए फिर से मैंने साबुन ही मंगवा ली, क्योंकि मुझे वो ईजी लगता है, बर्तन भी अच्छे साफ हो जाते हैं और ऑयल भी अच्छे से निकल जाता है। तो मुझे यही अच्छा लग रहा है। अगर आपको लिक्विड अच्छा लगता है तो आप लिक्विड भी ले सकते हैं। तो मेरे जो सब्सक्राइबर है उन्होंने मुझसे पूछा था, इसलिए मैंने जवाब दे दिया है। तो यहाँ पर बस लगभग मेरे बर्तन हो ही गए, बस यहाँ पर मैंने बर्तन जैसे कि साबुन से घिस के रख दिए थे, और फिर यहाँ पर मैं अभी बर्तन को धो लूँगी और रख लूँगी। फाइनली यहाँ पर मैं वॉश कर रही हूँ, जो अपने किचन क्लॉथ्स होते हैं वो वॉश कर रही हूँ। देख सकते हैं कितना गंदा पानी निकल रहा है ना, और पता है हम जो नॉर्मल गर्म पानी होते हैं उससे अगर वॉश करो ना फिर भी वो चिपचिपा ही रहता है। तो मैं ना बेकिंग पाउडर होता है या फिर खाने का सोडा और जो अपना वॉशिंग पाउडर होता है ना उसे मिक्स करके गर्म पानी में डाल देती हूँ और फिर से टॉयल को डुबा देती हूँ, फिर ठंडा होने तक रखती हूँ, तो टॉयल है ना अच्छे से साफ हो जाता है। ईशु किसी नहीं देगा, ईशु किसी नहीं देगा, कुछ दे दो, कुछ दे दो, और इधर दे दे, इधर दे दे, इधर दे दे, इधर दे दे, और दे दे, और दे दे, हो गया, और दे दे यहाँ पर। यार कल का भी तो दूध रखा हो, कल का है नहीं है? हाँ मैं नहीं यार, मुझे ना डकार डकारी आ रही थी, तो इसलिए मैंने पिया ही नहीं।
दही नहीं अपने को लगता है। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। बस यहाँ पर लगा रही मैं झाड़ू और प्याज जो गंदे हो गए, गंदे में इसको छिलके बारिश में हो जाते हैं ना जब से काले काले टाइप के, तो वो मैं साफ कर रही थी। तो हाँ मैंने ना आज साड़ी ड्रेपिंग का वीडियो शूट किया है, तो प्लीज़ वो देखना भूलना मत, क्योंकि मैं इसके बाद शेयर करूँगी या फिर इसके पहले जैसे भी एडिटिंग होती है वैसे मैं शेयर करूँगी। और आज साड़ी से याद आया मुझे, तो आप बोले कमेंट्स किया नहीं किया, मैं इस मतलब प्रॉपर तरीके से नाम नहीं ले सकती, बट लास्ट चरण मैंने मुझे नहीं आना चाहिए, लास्ट चरण आप लोगों को आना चाहिए, ठीक है। तो मैं साड़ी ड्रेपिंग का वीडियो शूट भी करती हूँ ना, तो पहले अच्छे से आंखें फाड़ फाड़ के देख लेना कि मैं किस तरीके से करती हूँ, मुझे भी सब कुछ समझ में आता है, मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ। तो इतना दिमाग है ना अपना, जो ज्ञान गणित है ना अपने पास रखना, मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं या फिर किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं है, अपना दिमाग अपने काम में लगाओ, ठीक है। तो यहाँ पर पता है ये दरवाज़ा है ना, तो ये लगता नहीं है, तो यहाँ से मैं सोच रही थी इसे ना लकड़ी को नीचे से छील लेती हूँ, तो शायद हो सकता है कि वो लग जाएगा, तो मेरे से हो ही नहीं रहा था, तो फिर मैं ईशु के पापा से कराऊंगी अब। तो आज की सब्जी मैं थोड़ी डिफरेंट तरीके से बनाने वाली हूँ, और अभी डिनर बन रहा है मेरा, तो मैंने ऑयल ले लिया है, और ऑयल गर्म होने के बाद मैंने डाल दिए थे आलू, आलू में थोड़ा सा मैंने हल्दी डाली है जैसे कि आप देख ही सकते हैं। तो बस मैं इसे ज़्यादा फ्राई नहीं करूँगी, जैसे कि आधा फ्राई हो जाता है ना, जिसके 50% फ्राई हो जाएगा तब तक मैं फ्राई करूँगी। तो यहाँ पर आप देख सकते 50% फ्राई हो गया है, और फिर मैं इसे निकाल लूँगी। तो फिर उसी कढ़ाई में मैं इसे फ्राई भी करूँगी, तो उसमें मैंने डाल दिया जीरा राई, और फिर डालूँगी कड़ी पत्ता, कड़ी पत्ता मुझे बहुत पसंद है, तो ऑप्शनल है, अगर आप चाहे तो डाल सकते हैं, आपके घर में है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। तो इसमें मैंने डाली है हरी मिर्च और प्याज, आप देख सकते हैं मैंने मिर्च कितनी डाली है, इतने डालने के बाद भी फिर भी सब्जी तीखी नहीं बनी थी, क्या कर सकते, आलू मीठे होते हैं ना, इसलिए थोड़ा तीखापन कम हो गया था। तो ये देखिए यहाँ पर मिर्ची और प्याज फ्राई हो गए हैं, और इसमें मैंने मसाले ऐड किए थे, तो मसालों में मैंने ऐड किया था थोड़ी सी हल्दी और धनिया पाउडर ऐड किया था, और इसमें डाल दिया मैंने टमाटर, टमाटर में मैंने नमक डाल दिया है इसलिए ताकि अच्छे से ये गल जाए। और फिर इसके बाद देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एक टेबलस्पून डाला है अमचूर पाउडर, तो ये है हमारा अमचूर पाउडर, इसलिए क्योंकि इससे सब्जी है ना बहुत टेस्टी बनेगी, मीन्स कि अच्छी लगेगी, क्योंकि आलू है ना मीठे होते हैं, तो किसी किसी के है ना मीठे जैसे आलू, मुझे मीठे आलू बिल्कुल भी पसंद नहीं आते, आलू की सब्जी बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है, तो मैं इस तरीके से बनाती हूँ, जैसे कि मिर्ची ज़्यादा और थोड़ा आमचूर पाउडर डालती हूँ, तो सब्जी बहुत टेस्टी लगती है। तो आप भी ऐसे ट्राई करके देख सकते हैं, बिल्कुल सिंपल ही तरीका है, और आमचूर पाउडर तो सबके घर में होता है, तो इसलिए मैंने इसमें आमचूर पाउडर डाला है। बस थोड़ा सा मिर्ची कम हो गया था, मैंने खाना खाकर वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ मिर्ची थोड़ा कम हो गया, तो यहाँ पर मैंने कवर कर लिया है। तो बस देख सकते हैं हमारी सब्जी बनके रेडी है, इसमें मैंने हरा धनिया नहीं डाला है, जब मैं खाना खाऊंगी उससे मैं हरा धनिया डालूंगी, तो आप भी इस तरीके से बना सकते हैं। तो चलिए अब बनाते हैं रोटी, तो चलिए रोटी तो थोड़ी देर से बना लेंगे। तो यहाँ पर मैं फिश को फ्राई कर रही हूँ, तो फिश को फ्राई करने के लिए मैंने एग डाला है, इसमें हाफ डाला है एग, और मतलब आधा ही डाला है मैंने, ठीक है, कच्चा वाला जो होता है ना एग वो डाला है, और फिर इसमें मैंने डाला है नमक मिर्च और धनिया पाउडर, हल्का सा एकदम डाला है मैंने गरम मसाला, और फिर इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इसे मैंने 10 से 15 मिनट के लिए रहने दिया था, अब मैं कर लूँगी इसे फ्राई बोलेंगे तो फ्राई कर लूँगी। इसमें थोड़ा सा मैंने ऑयल लगा लिया था, चाहे तो आप ऑयल में भी फ्राई कर सकते हैं, बट मैं इस तरीके से करती क्योंकि ये कम ऑयल वाला और हेल्दी होता है, और ऑयल में कौन करेगा, क्योंकि फिर ऑयल डालो ना फिर वो ऑयल बच जाता है,
तो तुरंत यूज़ कर लो तो अच्छा है, नहीं तो स्मेल आने लग जाती है, फिर फेंकना ही पड़ता है। इसलिए इस तरीके से मैं फ्राई करती हूँ। देख सकते हैं पूरे पीस रख लिए हैं और ऊपर से मैं थोड़ा सा तेल डाल दूँगी। और फिर यहाँ पर रोटी बनाने की तैयारी कर रही थी, तो ये जो कि थोड़ी गीली थी क्योंकि लकड़ी की है ना, तो ये पानी है ना ऑब्जर्व कर लेता है, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे कि बर्तन के अंदर रहता है ना, ध्यान नहीं रहता निकाल के रखने का। तो बस यहाँ पर मैंने उसे सेक लिया था और फिर यहाँ पर मैं बना रही रोटी। तो रोटी अच्छे से फूली नहीं क्योंकि ये आटा है ना थोड़ा सा गीला सा हो जाता है और गीले आटे की रोटी मेरे से अच्छे से नहीं बनती है, तो मुझे थोड़ा सा हार्ड टाइप का आटा चाहिए। तो बस यहाँ पर मैंने कड़ी गर्म करने के लिए रखी सॉरी, और वहाँ पर मैं चेक कर रही फिश पकी कि नहीं। तो चलिए गाइस ये है मेरा आज का व्लॉग, कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स करके बताना। न्यू आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, फ्रेंड है शेयर कर लेना।